सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं निहारिका सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और 21 जून को उनकी सजा पर सुनवाई होगी। जी हाँ, कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है और उनकी सजा पर जो सुनवाई है 21 जून को होगी। बताते चले कि 16 अगस्त 2019 को हथियार तस्करी मामले में अनंत सिंह के घर पर छापेमारी की गई थी, जहां से AK-47 और 26 राउंड गोलियां बरामद की गई। इसी सिलसिले में आज अनंत सिंह के सजा पर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन आज सजा पर सुनवाई न होकर के 21 जून को उनके सजा पर सुनवाई होगी। सुने क्या कुछ कह रहे हैं अनंत सिंह के वकील। केस अगर पाया जाता है उनके नजर में तो अलग है, लेकिन अभी कितनी सजा होगी, हो सकता है 3 साल ही हो सकता है 5 ही हो, मैक्सिमम 10 साल भी है, लाइफ भी है। लेकिन किस सेक्शन में क्या करेंगे वो तो किस में फाउंड पर एडजेक्ट कुछ नहीं है। एडजेक्ट तो कि दोषी पाए गए तो सेंटेंस के पॉइंट पर किस सेक्शन में कितना सजा दिया जाएगा, किस में उन्होंने सही पाया केस को। अब तो जजमेंट की कॉपी 21 तारीख को हम लोग की होगी, तो उसके बाद अपील में जाएंगे, निश्चित अपील में क्यों नहीं जाएंगे, हाईकोर्ट जाने की बात। देखिए हाईकोर्ट जाएंगे 21 के बाद ही जाएंगे, जजमेंट की कॉपी मिलेगी। AK-47 मामले में जो था वही उसी मामले में। हाँ, उसी मामले में। अपना परिचय दे। सुनील कुमार, फैसला कन्विक्शन किया गया है उनको, माननीय विधायक आनंद कुमार सिंह जी को, एक मुकदमे में। ये केस 16/8/19 को FIR दर्ज हुआ था, 25/8 को ये दिल्ली से लाए गए थे, मुकदमा चला। 13 गवाह उनके साइड से हुआ, 34 गवाह हम लोगों के साइड से, डिफेंस साइड से हुआ। क्या सफाई रखी गई है अनंत सिंह? सफाई तो है, फॉल्स केस है, बिल्कुल झूठा, एक पेपर ट्रांजेक्शन वाला ये मैटर था, तो मेरिट पर का बात है वो। क्या बोले अनंत सिंह जी से? कुछ पूछा नहीं जाता है कन्विक्शन के दिन, हम लोगों के तरफ से तो जजमेंट पर कोई कमेंट है नहीं। अब सेंटेंस पे के पॉइंट पर जो भी आएगा, किस सेक्शन में क्या सजा दिया जाएगा, वो 21 जून को। इसमें पुलिस की क्या भूमिका रही है, क्या लगा? पुलिस का क्या है, तो जज का मैटर है, जजमेंट आ गया, इसमें पुलिस की भूमिका पर हम क्या सवाल करेंगे। हमारा मैटर तो जो भी है मेरिट पर, जितना भी मामला था हम लोगों ने रखा, ये कंप्लीट है, पेपर ट्रांजेक्शन केस है ये कंप्लीट, लेकिन मेरिट पर तो हम लोग विशेष जाएंगे नहीं। मेरिट सजा हो सकती है, क्या लगता है? सजा देखिए वो तो किस किस सेक्शन में, इसलिए अभी सेक्शन है, आर्म्स एक्ट का नॉर्मल है, लेकिन मेन इसमें प्रोहिबिटेड आर्म्स का है, तो उस सेक्शन का पनिशमेंट कुछ आधा है, मतलब उसमें केस अगर पाया जाता है उनके नज़र में तो अलग है, लेकिन अभी कितनी सजा होगी, हो सकता है 3 साल ही हो सकता है 5 ही हो, मैक्सिमम 10 साल भी है, लाइफ भी है। लेकिन तो सुना आपने अनंत सिंह के वकील को। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बिहार के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।